मुझे ऐसा लगा है कि आई थिंक दे वॉन्ट मी टू बी मोर बैड एस, मतलब इससे ज्यादा, और इससे ज्यादा बीइंग बैडएस मींस बीइंग वेरी नेस्टी। अली ऑफ कोर्स अली को इवेक्ट होना चाहिए था, हैंड्स डाउन अली को होना चाहिए था। उसका गेम मुझे, ही हैड द वीकेस्ट गेम, ही हैज़ द वीकेस्ट गेम। ये वीक वही जाने वाला है। देखो मुझे पहले से पता था अगर ये मुंजली से अगर मुनावर को हटा देना, अंजलि का कोई गेम नहीं है, लिटरली कोई गेम नहीं है। पहली बार उसने खेलने की कोशिश की मुनावर के बगैर। सबसे पहले मैं ये जान रहा हूँ कितना शॉकिंग था आपके लिए जब आपका एविक्शन हुआ, क्योंकि हमने देखा जब बॉटम थ्री थे आप पायल और अली तो आप एविक्ट हो गए, क्योंकि पर घर पे माना जाता था कि अली सबसे कमजोर है, बट आप एविक्ट हो गए, तो क्या कहना चाहोगे, कितना शॉकिंग था आपके लिए? बहुत शॉकिंग था मुझे, बहुत अनफेयर लगा के, और मैंने पूछा था ऐसा क्या मैंने नहीं किया है जो कि यू नो दैट यू वोटेड मी आउट, यू नो इट इज रियली, इट वाज, मुझे खुद अभी समझ में नहीं आ रहा, बट मैं इसको क्वेश्चन नहीं करूंगा बिकॉज जो मेकर्स का डिसीजन है वो मेकर्स का डिसीजन है। ओके, बट व्हाट आई फील इज व्हाट आई फील, आई कांट हेल्प इट। मेरा, मुझे लगा है आई एम डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड, एंड सो आर ऑल माई फैंस। ये दो बार हुआ है, दोनों बार एग्जैक्टली सेम ऐसा ही हुआ है, यू नो। सो अगेन इट्स वेरी सैड बिकॉज आई वॉज प्लेइंग अ ग्रेट गेम, आई नो आई वॉज इन्जॉइंग इट, मुझे मज़ा आ रहा था गेम खेलने में। जब एक मज़ा आता है ना, तो मुझे मज़ा आ रहा था, एंड बट आई गेस दे डोंट वॉन्ट इट, दे वॉन्ट समथिंग एल्स, और वो मैं दे नहीं सकता हूँ बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। नहीं, मुझे ऐसा लगा है कि आई थिंक दे वॉन्ट मी टू बी मोर बैड एस, मतलब इससे ज्यादा, और इससे ज्यादा बींग बैड एस मीन्स बींग वेरी नेस्टी, मतलब ऐसा मुझे पता है कि इससे अगर ज्यादा मैं हो जाऊं, मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है। I'm not this kind of a person and I will never be this kind of a person. मैंने हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरी बेटियों की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आए, एक हस्बैंड आए जो मेरी तरह हो, who treats them the way I treat my wife. I cannot be that way. I will never be that way. अली ऑफ कोर्स अली को इफेक्ट होना चाहिए था, हैंड्स डाउन अली को होना चाहिए था। उसका गेम मुझे, ही हैड द वीकेस्ट गेम, ही हैज द वीकेस्ट गेम। ये वीक वही जाने वाला है, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने मंदना का किया था इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा था कि करण वीर समझते थे कि उनका गेम प्लान बहुत ही स्ट्रांग है, बट वो उल्टा था, वो अपने आप को बहुत ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझते थे, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, और आपका उनके साथ फाइट भी हुआ था जी, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, और आपको जो कमेंट किया आपके ऊपर जो आपके गेम प्लान। मेरा गेम प्लान है, एटलीस्ट लोगों को तो ऐसा लगता है ना कि ही इज ओवर स्मार्ट, हाँ मतलब स्मार्ट है और स्मार्ट से ऊपर ओवर स्मार्ट है, एज लॉन्ग एज लोगों को लगता है, बिकॉज येस दैट इज हाउ आई वॉन्ट टू पोर्ट्रे, एंड आई वॉज, मैं बोल रहा था ना कि आई वॉज इन्जॉइंग माई गेम, आई वॉन्ट, मैं ना, मुझे ये पता है आई एम अ थ्रेट टू अ लॉट ऑफ पीपल, पीपल फील वेरी इनसिक्योर अराउंड मी, ओके, कि ये इसको टारगेट करो, इसको करो, क्या समझते अपने आप को, ओवर स्मार्ट समझता ना, देख यू नो दैट इज वाई, सो आई लाइक दैट, वो जो लोगों में थ्रेट होती है ना, आई लाइक दैट। लेकिन जब लोग अपने आप को बोलते ना होलियर देन दाउ समझते हैं, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन फिर भी ये जो बात उसने जो कमेंट कही है ज़ीशान के साथ बैठकर, अंजलि के साथ बैठकर, मैं उस बात को लेकर कमेंट नहीं करूँगा बिकॉज मैंने ना वो बात सुनी है, ना अभी तक मैंने देखी भी नहीं है, मैंने इतना ढूंढा लेकिन मिली भी नहीं है। मेकर्स को भी मैंने मैसेज किया है कि प्लीज़ मुझे वो क्लिप भेज सको तो भेज दो, देन आई विल टेक अ स्टैंड एंड आई विल टेक अ कॉल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वुमन शी इज़ और व्हाट काइंड ऑफ मैन ज़ीशान इज। देखो मुझे पहले से पता था अगर ये मुंजलि से अगर मुनावर को हटा देना, अंजलि का कोई गेम नहीं है, लिटरली कोई गेम नहीं है। पहली बार उसने खेलने की कोशिश की मुनावर के बगैर, और उसमें भी वो गिर गई, मतलब वो पूरा नहीं कंप्लीट कर पाई, डर गई। सो इसलिए वही मैं कहता हूँ, उसका कोई गेम ही नहीं है, ना उसका कोई स्टैंड है, ना उसकी कोई ओपिनियन है, ना दूसरों के मुद्दे में बेफिजूल की लड़ती है। उसको इतने वार्निंग्स मिले हैं रिगार्डिंग टेक बीइंग वायलेंट,
She just doesn't understand. She's doing everything what she's not supposed to be doing. Okay, आपके छोटे भाई finally आ चुके हैं शिवम. So कितना happy feel करते हैं आपको मामा बोलते हैं. Very very happy. I was so excited. What a lovely game it was, man. What a lovely game. ऐसे खुन्नस में आके उसने last में उड़ाया अंजलि को. I was very happy. I'm very happy for him. He's playing a fantastic game. इसके अलावा violence भी हमने देखा है दिशांत का जो था आसमान के साथ तो उसके लिए वो effect भी किया गया मतलब. कुछ भी आजमा ने बहुत गलत बोला. ज़ीशान ने भी गलत कम नहीं बोला, वो भी बहुत गंदा बोला. और फिर शब्द तो हो गए, अब इससे ज़्यादा क्या गंदा बोलेंगे. तो चलो तोड़ते हैं सामान. उसने मेकअप तोड़ा, उसने प्रोटीन फेंका, इससे अब क्या, अब तो ये भी हो गया, अब दो धक्का मुक्की. दैट इज़ वेयर ही वेंट रॉन्ग. इट वुड हैव बीन ओके, तोड़ो जितना तोड़ना है तोड़ो, बट यू रेज्ड योर हैंड ऑन द वुमन. दैट वॉज द वर्स्ट थिंग दैट ही डिड. यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव We all have mothers, sisters, daughters, wives. Unke upar ab, you know, we talk about domestic violence, hai na? How can you hit another woman like that? That was very, very wrong. Very wrong. पर जिसे हमने जो देखा था लॉकअप में जो आपका अंजलि का जो मुद्दा उसने उठाया था जो कि हम एक लवर का एक किरदार करते एक ह्यूमर फैलाया. नहीं नहीं नहीं, लवर का किरदार नहीं था ये. मैं क्लियर करता हूँ, वो क्लियर करना चाहेंगे क्योंकि वो लोग उसके ऊपर बहुत फिर कमेंट कर रहे हैं, अब तक कमेंट कर रहे हैं. हाँ ये जो आप क्लियर कर लीजिए. हाँ वो कोई लवर का कमेंट नहीं था. इट वॉज अ गेम प्लान, इट वॉज अ स्क्रिप्ट. ओके, और मुझे पता था कैमरा है वहाँ पर, तो मैंने यही कहा था कि मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा उसमें. आई एम अ मैरिड मैन, आई विल नॉट डू इट. ये कैटेगोरिकली मैंने उसको ये बोला था. ओके, और आई थिंक वो क्लिप भी है वहाँ पर, उसमें देख सकते हैं. तुम अपनी तरफ से इन्फैचुएशन शो करना, एक होता है ना एक यंग अट्रैक्शन कैसे होता है, बस वो शो करना. मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा. और तुम यू नो वो नाराज कैसे हो जाते हैं ना कि वो देख. हाँ तो हाँ एग्जैक्टली यही बात हुई थी. अब मुझे क्या पता उसका बॉयफ्रेंड बाहर है. अगर नहीं खेलना था तो उसने ऐसे थम्स अप क्यों किया. उसने थम्स अप बोला है क्योंकि जब मैंने उसको बोला था शी सेड मैंने ऐसे किया. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ना तो नहीं है. अगर बॉयफ्रेंड था बाहर तो शी शुड हैव सेड नो फर्स्ट ओनली. दो हफ्ते बाद उसने मुनावर को ये बात बोली, और उसी हफ्ते के बाद वो मुंजलि का ट्रैक आया, तो शी वॉज वेटिंग फॉर अ बिगर बेटर डील. सो what डज इट से अबाउट हर. सो दिस रियली शॉक्स मी. एंड देन शी टेल्स मुनावर आई लव यू. वॉट काइंड ऑफ गेम इज शी प्लेइंग. मुझे बोल रहे हैं अपने घरबान पे झांक कर देखो आप क्या कर रहे हो. सो एग्जैक्टली जो मैंने कहा था, शी हैज नो गेम, शी लिटरली हैज नो गेम. शी डजंट नो व्हाट शी वांट्स टू डू. शी इज थिंकिंग के मुझे कौन सा एंगल मिल रहा है, मैं वो एंगल खेलूँ. और मुनावर खुद बोल रहा है उसको, तू पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग मतलब दही हो गया, तेरा जाके धो क्या. मुनावर इज नॉट लीडिंग अर ऑन, शी इज द वन हु इज यू नो घुस रही है. शी शुड अंडरस्टैंड. आई मीन आई क्या क्या क्या, क्या ही बोलूँ मैं सीरियसली. विनर का तो मैं नाम नहीं ले सकता अभी बिकॉज मेरा प्रेडिक्शन मैं अभी नहीं बता सकता, मैं नेक्स्ट वीक ही बताऊंगा. बट मेरे तो टॉप थ्री हैं. ओके, वो है शिवम, पायल एंड मुनावर. बस थैंक यू सो मच फैंस फॉर लविंग मी, फॉर बिलीविंग इन मी, फॉर रिस्पेक्टिंग मी एंड फॉर सपोर्टिंग मी फॉर वॉट एवर आई डू. ओके, वन थिंग आई विल टेल यू इज दैट आई विल नेवर लेट यू डाउन. आई लव यू.